स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया के खास प्रोग्राम लोकतंत्र के सच में। आपके साथ हाजिर हूं मैं काजोल नारायण अपनी पूरी टीम के साथ। लोकतंत्र के सच में जिक्र अक्सर इसी बात को लेकर होता है कि ये राजनेताओं की दहलीज से निकलता है। कोई बेहतरीन मुद्दा उठा लिया जाए तो भी चलता है और राजनेताओं के सच के बारे में तो पूछिए ही नहीं। लेकिन कहते हैं कि मीडिया का काम तो सच दिखाना होता है। बात लोकतंत्र के सच में सब होगी क्योंकि देश की दहलीज पर कोरोना से इंसानी जिंदगी चिताओं में समा रही है। कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं या नहीं, लेकिन दुख और त्रासदी को झुठलाने वाले जरूर हो सकते हैं। हिंदुस्तान की ताकत तो राजनीति सत्ता में बसती है और उस राजनीति सत्ता के लिए जो भी बिसात बिछाते चला जाता है वो नायक कहलाता है। और मौजूदा वक्त में क्या टीवी स्क्रीन पर आप देखते होंगे, क्या सड़क पर सुनते होंगे, हिंदुस्तान के मुद्दा क्या है, वो मुद्दे कई हाशिए पर क्यों चलते हैं, आइए इस रिपोर्ट को देख लीजिए। कुछ लोकतंत्र की तस्वीर में से और कुछ धूल छटेगी। कोरोना से चारों तरफ तबाही के मंजर के बीच इस अस्पताल की हर तस्वीर कुछ कहती है। ये तस्वीर बताती है कि देश में इस जानलेवा बीमारी कोरोना से लड़ने के लिए संसाधनों की कमी अक्सर है, क्योंकि ये धूल फांकते वेंटिलेटर इस बात की गवाही सीधे तौर पर देते हैं। पहले यूपी के दो अलग अलग जगह से आई ये तस्वीरें देखिए और फैसला कीजिए। जहां एक तरफ लोग इस महामारी में अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे हैं क्योंकि कई अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नहीं है, और दूसरी तरफ कई अस्पतालों से ये भी खबर आई है कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की कमी है। लेकिन आज लोकतंत्र का सच में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो देश की पूरी अफसरशाही की पोल खोलती नजर आ रही है। हर मीडिया संस्थान, हर इंसान की जुबा पर बस एक ही दर्द है, उसे अपने को बचाने के लिए ऑक्सीजन और बेड चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है आप खुद ही देख लीजिए। ये इसलिए कि देश की जनता को पता चलना चाहिए कि देश में होना क्या चाहिए और क्या हो रहा है। दरअसल तस्वीरें यूपी के दो अलग अलग जिलों से हैं। तस्वीर एक फिरोजाबाद की है तो दूसरी बिजनौर की है। और पिछले साल कोरोना के दौरान ये धूल फांकते वेंटिलेटर्स पीएम केयर फंड से उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन शहर की अफसरशाही जनता के मरने का तमाशा देख रही है। ये उस यूपी की तस्वीरें हैं जहां पंचायत चुनाव पूरी तरह से परवान पर था, जबकि देश के लोकतंत्र में शायद इस बात का जिक्र जरूर होगा कि पहले इंसानी जान बचानी बेहद जरूरी है। लेकिन इन तस्वीरों से साफ हो चुका है देश की नहीं बल्कि चुनाव की ज्यादा चिंता सता रही थी। एक तरफ लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे थे, बिना बेड के जमीन पर जिनका इलाज हो रहा था, और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर यूपी पंचायत चुनाव हो रहा था। चलिए चुनाव तो हो गए, लेकिन लोकतंत्र का सच में अब सच्चाई की बात करेंगे। ये दो जिले बिजनौर और फिरोजाबाद हैं। पहले बात बिजनौर की कर लेते हैं। यहाँ पिछले साल कोविड से बचाव के लिए वेंटिलेटर खरीदे तो गए लेकिन कभी चल ना सके। वही वेंटिलेटर जिनके अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं, तीमारदार कभी डीएम के पैर पकड़ रहे हैं तो कभी रेमडेसिविर के लिए अस्पतालों में भीख मांग रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि बिजनौर में कोरोना पेशेंट्स कम हो, इस समय 3000 से ज्यादा कोरोना मरीज है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि हकीकत कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। अधिकांश मरीजों को मुरादाबाद या मेरठ रेफर कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो स्टाफ की कमी का रोना क्यों रोया जा रहा है। चलिए अब आपको इसकी सच्चाई भी बताते हैं। ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय। ये बिजनौर का जिला अस्पताल है। यहाँ पर पिछले साल कोविड 19 वार्ड में 24 वेंटिलेटर खरीदे गए थे, जबकि 10 वेंटिलेटर मुरादाबाद सीएमओ को मुहैया कराए गए थे। वहीं इन एनएसएच यानी नेशनल सॉर्टिंग हब की टीम ना होने की वजह से वेंटिलेटर इस्तेमाल ही नहीं किए गए, जिसकी वजह से वेंटिलेटर मशीन पूरी तरह से धूल फांकती हुई नजर आती है। दूसरा सवाल यह है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है जब इतने अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं है तो वहां क्यों नहीं पहुंचाए जा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, सिर्फ दिखाने के लिए वेंटिलेटर खरीदे गए हैं। सोचिए, वेंटिलेटर हमारे पास गत वर्ष आए थे, 24 वेंटिलेटर उपलब्ध हुए थे हमें। 24 में से 10 वेंटिलेटर स्थापित हैं और 14 अलग रखे हुए हैं। 14 में से 10 वेंटिलेटर आज सीएमओ मुरादाबाद के लिए भेज दिए गए हैं।
मेरे सहयोगी नईम अहमद ने जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर ज्ञानचंद से जब इन वेंटिलेटर्स के बारे में जानकारी ली तो साहब ने बताया कि पिछले साल कुल 24 वेंटिलेटर खरीदे गए थे। 10 वेंटिलेटर कोविड वार्ड में रखे गए हैं लेकिन स्टाफ नहीं होने की वजह से चलते नहीं हैं, जबकि 10 वेंटिलेटर मुरादाबाद CMO को भेजे गए हैं, 4 और स्टोर में रखे गए हैं। हालांकि जब न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो प्रशासन ने खबर का संज्ञान भी लिया। संज्ञान लेते हुए एक डॉक्टर की मौजूदगी वहां उपस्थित कराई गई। ऑपरेट करने के लिए उन्हें पूरी टीम होनी चाहिए, ट्रेंड टीम होनी चाहिए। उसके लिए एनेस्थेटिस्ट की आवश्यकता होती है। हमारे पास एनेस्थेटिस्ट कोई नहीं है। एक एनेस्थेटिस्ट है जो कि फीमेल हॉस्पिटल में है, वही हमारे यूटी का भी काम देखते हैं। और अभी CMO साहब ने कुछ व्यवस्था की है, डॉक्टर अवधेश वशिष्ठ हैं जो चेस्ट फिजिशियन हैं, उनको यहाँ पे लगाया है, वो शायद हमारी हेल्प करेंगे। कुछ वेंटिलेटर तो कोई उपयोग में नहीं ले आ रहा, क्योंकि अभी जो टीम होगी तभी उपयोग में होंगे। अभी कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम चालू कर पाएं। वेंटिलेटर को चलाने के लिए स्टाफ नहीं है, इसलिए किसी प्राइवेट डॉक्टर से उनको चलवाने की बात कही जा रही है। लेकिन कब तक, आखिर कब तक, जब शवों की तादाद बढ़ जाएगी, जब रोते बिलखते लोगों की संख्या और ज्यादा होगी, या तब जब ये वेंटिलेटर किसी काम के ही नहीं रह जाएंगे। बिजनौर में आपने देखा कि कैसे सैकड़ों वेंटिलेटर्स धूल फांक रहे हैं, लेकिन दूसरे जिले यानी फिरोजाबाद का हाल इससे भी बदतर है। लोकतंत्र का सच में आज देखते रहिए कि कैसे करोड़ों रुपए खर्च कर मशीनें आती हैं, लेकिन इन हुक्मरानों की वजह से या अस्पताल की लापरवाही की वजह से ये सब बर्बाद होता जाता है। अब सुनिए फिरोजाबाद की यह अनोखी कहानी। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज को मिले थे 114 वेंटिलेटर, जिनमें से 67 वेंटिलेटर का अभी तक इस्तेमाल नहीं हो पाया। कोरोना महामारी के चलते उत्तर प्रदेश में कई जिलों में वेंटिलेटर की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जरूरत भी है। कई जगह तो वेंटिलेटर है ही नहीं, लेकिन फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड परिसर में 67 नए वेंटिलेटर पिछले साल से आज भी धूल फांक रहे हैं। वहां के CMS डॉक्टर आलोक शर्मा का कहना है कि हमें जितने वेंटिलेटर की जरूरत है उतने इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी जो वेंटिलेटर्स है वो यहाँ तादाद से ज्यादा है। हमने शासन को लिखकर भेजा है कि वो चाहे तो यहाँ से उठवाकर जहाँ जरूरत है वहाँ भिजवा दे। जरा सुनिएगा। वेंटिलेटर हम पे ज्यादा आ गए, तादाद से ज्यादा है, तो हमने शासन को लिख दिया है चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से, प्रिंसिपल साहब की तरफ से शासन को लिख दिया गया है कि हमारे पास अतिरिक्त हैं। अगर किसी कॉलेज में, किसी अस्पताल में आपको देने की जरूरत हो तो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करवा दें। सुना आपने, क्या वाकई प्रशासन जिम्मेदार है या शासन की अनदेखी है या इसकी भनक किसी तक नहीं पहुँची है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 114 वेंटिलेटर मंगाए थे, जिनमें से काफी तो इस्तेमाल हुए लेकिन अभी भी बहुत सारे एक्स्ट्रा रखे हैं। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। शासन को भी पत्र लिखा है कि किसी और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इसकी जरूरत हो तो तत्काल भिजवाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में COVID-19 वार्ड की बात करें तो यहाँ 172 बेड हैं। इस समय कोरोना मरीजों की संख्या 152 है जो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत है उन्हें वेंटिलेटर दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वेंटिलेटर यहाँ ज्यादा है, इसलिए वो धूल फांक रहे हैं। तो जब भी शासन के पास संज्ञान में कोई ऐसा जगह आएगा जहाँ कोई मांगेगा हॉस्पिटल या चिकित्सा संस्थान के, हमें और चाहिए सरकारी, गैर सरकारी नहीं, तो वो वहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। इन सारी तस्वीरों की हकीकत आपने जानी, लेकिन क्या आपने इन तस्वीरों पर गौर किया? अगर नहीं तो बार बार देखिए, ये जो वेंटिलेटर मिले थे अस्पतालों को वो PM केयर फंड से मिले थे, वो जो पिछले साल 2020 में देश के लोगों द्वारा दिया गया था। और ये दुर्दशा है इन वेंटिलेटर्स की। सोचने वाली बात है कि PM केयर फंड में लोगों ने बिना अपनी आर्थिक स्थिति की परवाह किए कोविड से संक्रमित लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अफसोस कि वो मदद लोगों तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही है। ये है लोकतंत्र का सच। सोचिए, समझिए कि क्या सच्चाई है इस लोकतंत्र की। आज लोकतंत्र का सच में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर एक और कड़ी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।